हेलो एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 7, सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज देर आर 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड 48 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन अ लाइब्रेरी। यहाँ पे एक लाइब्रेरी की बात की है, वहाँ पे लाइब्रेरी में इंग्लिश की 63 बुक थी एंड जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी 48 बुक्स है। हाउ मैनी टोटल, क्या कहा है टोटल, हाउ मैनी टोटल बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हिंदी एंड इंग्लिश की सारी बुक्स को मिला के टोटल कितनी बुक्स है वो हमें बताना है। यहाँ पे लिखा है टोटल, टोटल लिखा है यानी कि सबको मिलाना होगा। मिलाएंगे तो कौन सा आएगा, एडिशन आएगा कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन करना होगा। टोटल कहा है इट मींस एडिशन आएगा। सो यहाँ पे लिखना होगा 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश, क्या लिखना होगा 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश प्लस 48 बुक्स ऑफ हिंदी एंड नीचे की ओर लिखना होगा टोटल बुक्स, क्या लिखना होगा टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। यहाँ पे होगा एडिशन, क्यों एडिशन होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है। हम लोग एडिशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वंस के प्लेस से। सो वंस के प्लेस पर कौन कौन से डिजिट है, ये है 3, 8, यानी कि 8 में 3 ऐड करो या फिर 3 में 8 ऐड करना है। सो हम लोग 8 में 3 ऐड कर लेते हैं। सो 8 है 9, 10, 11, सो वी गेट अवर आंसर 11। फ्रॉम दिस 11 दिस वन कम्स एट वंस प्लेस एंड दिस वन इज इन अ टेंस प्लेस, सो इट्स कम एज अ कैरी। सो हमें यहाँ पे 1 लिखना होगा एंड एक 1 बचा उसे यहाँ पे एज अ कैरी लिखना होगा। देन है 1 + 6 या फिर 6 + 1 7, 7 + 4, क्या आएगा 7 + 4 8, 9, 10, 11, सो वी गेट अवर आंसर ओवर हियर 11। अवर फाइनल आंसर इज 111 बुक्स आर इन लाइब्रेरी। सो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन सेकेंड प्रॉब्लम, मिहिर हैड 27 पेंसिल, मनीषा गेव अनदर 45 पेंसिल टू हिम। मिहिर के पास 27 पेंसिल थी पहले से, मनीषा है उसने मिहिर को दूसरी 45 पेंसिल मिहिर को दी। हाउ मैनी टोटल पेंसिल, अब मिहिर के पास टोटल पेंसिल कितनी होगी वो हमें बताना है। सो पहले से ही उसके पास 27 पेंसिल थी, उसके ऊपर जो मनीषा थी उसने 45 एक्स्ट्रा पेंसिल दे दी। सो टोटल पेंसिल कितनी हुई वो हमें लिखना है। सो यहाँ पे लिखना होगा 27 पेंसिल प्लस 47 पेंसिल एंड नीचे लिखना होगा टोटल पेंसिल, क्या लिखना होगा टोटल पेंसिल लिखना होगा। सो यहाँ पे 7 वंस के प्लेस का टोटल हम लोग पहले करेंगे, वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होंगे उनका एडिशन हम लोग पहले करेंगे। सो 7 + 5, 7 में 5 ऐड करना है। सो हमारा आंसर क्या आएगा 8, 9, 10, 11, 12। सो यहाँ पे आ गया 2, 1 कम्स एज अ कैरी, 1 + 2, 3, 3 + 4, 5, 6, 7, 8, सो वी गेट अवर आंसर 8। राइट नाउ मिहिर हैज 82 पेंसिल, मिहिर हैड 82 पेंसिल, मिहिर के पास टोटल पेंसिल कितनी हो गई 82। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, देर आर 46 स्टूडेंट इन वन क्लासरूम, 39 स्टूडेंट इन अनदर क्लासरूम, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यानी कि सारे स्टूडेंट को मिला के,
यहाँ पे कहा है एक क्लास है उसमें 46 स्टूडेंट है, दूसरा क्लास है उसमें 39 स्टूडेंट है। अभी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के सारे स्टूडेंट को मिला दिया जाए तो टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं वो हमें बताना है। सो यहाँ पे लिखना होगा 46 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्लास प्लस 39 स्टूडेंट्स इन अदर क्लास एंड देन नीचे लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल टुगेदर। यहाँ पे एडिशन स्टार्ट होगा वंस के प्लेस से, तो वंस के प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, यहाँ पे है 6 एंड 9। सो 9 में हम लोग 6 ऐड कर लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या आंसर मिला 15, 15 का 5 यहाँ पे आएगा, 1 comes as a carry, 4 plus 1, 5, 5 plus 3, क्या आएगा आंसर 6, 7, 8, so here comes 8, our final answer is 85, total 85 students are there। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल टुगेदर 85 स्टूडेंट इन टू क्लासरूम। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है बबली हैड 34 ब्लैकबेरीज। क्या है बबली, तो बबली के पास 34 ब्लैकबेरीज थी, आउट ऑफ दोस सी एट 18 ब्लैकबेरीज। उसके पास 34 ब्लैकबेरीज थी, उन 34 ब्लैकबेरीज में से बबली है उसने 18 ब्लैकबेरीज क्या कर लिया, खा लिया। हाउ मैनी ब्लैकबेरीज आर लेफ्ट विथ हर, लेफ्ट यानी कि बची, अब उसके पास कितनी ब्लैकबेरीज बची होगी। सो बबली के पास यहाँ पे थी 34 ब्लैकबेरीज, उसमें से 18 ब्लैकबेरीज खा गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ सब्सट्रैक्शन होगा, कितनी लेफ्ट कितनी बची है अब वही देखना है, तो यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे लिखना होगा 34 ब्लैकबेरीज राइट, देन माइनस 18 ब्लैकबेरीज एट बाय बबली अपॉन, यहाँ पे नीचे लिखना होगा लेफ्ट ब्लैक बेरीज, क्या लिखना होगा लेफ्ट ब्लैक बेरीज। सो यहाँ पे 4 माइनस 8 करना है, 4 इज स्मॉलर नंबर 8 इज बिगर नंबर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग 1 tens फ्रॉम दिस tens प्लेस। सो यहाँ पे tens के प्लेस के पास 3 नंबर है, सो 3 में से हम लोग 1 tens ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 10 प्लस 4 14, क्या आएगा 14, ये 3 है, 3 के पास से हमने 1 tens ones के प्लेस को दे दिया, तो अब कितने tens बचे होंगे, 3 में से 1 tens चला गया तो कितने बचे होंगे 2, तो ये 3 है उसे कैंसल आउट करके यहाँ पे लिखना होगा 2, 14, नाउ सबसेक्शन इज पॉसिबल, अपर नंबर इज बिगर, सो 14 माइनस 8, 14 में से 8 सबसेक्ट करना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो वी गेट अ आंसर ओवर हियर 6, देन अब हम देखेंगे टेंस वाली कॉलम, यहाँ पे 2 माइनस 1, 2 में से हमें 1 सबसेक्ट करना है, तो ये कितने बचे 1, सो यहाँ पे आएगा 1, सो अवर फाइनल आंसर इज 16, इट मीन्स बबली हैड ओनली 16 ब्लैकबेरी राइट नाउ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट ब्लैकबेरीज आर 16, देर आर 16 लेफ्ट ब्लैकबेरीज। देन 5 नंबर का प्रॉब्लम, डिम्पल हैड 62 रुपीज, सी परचेज अ डॉल ऑफ 39 रुपीज फॉर देयर फ्रॉम दैट, यानी कि डिम्पल थी उनके पास 62 रुपीज थे, कितने रुपीज थे उनके पास 62 रुपीज, उन 62 रुपीज में से उन्होंने एक डॉल बाय की, क्या बाय किया एक डॉल बाय की, डॉल की प्राइस क्या है
39 रुपीज़, डॉल की प्राइस है 39 रुपीज़, 62 रुपीज़ थे उसमें से ये जो डिम्पल है उन्होंने 39 रुपीज़ यूज़ कर लिए। हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विद हर नाउ, अब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखना होगा 62 रुपीज़ डिम्पल हैड माइनस 39 रुपीज यूज्ड, क्या लिखना होगा 39 रुपीज यूज्ड, और यहाँ पे लिखना होगा लेफ्ट रुपीज, क्या लिखना होगा लेफ्ट रुपीज, यानी कि कितने रुपीज बचे वो। यहाँ पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा। क्यों सब्सट्रैक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि उसके पास उतने पैसे थे, उन पैसों में से उसने पैसे यूज़ किए, तो क्या हुआ जितने पैसे थे उसमें से कुछ पैसे क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे। कम हुआ यानी कि सब्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन विद प्रूविंग दिया है। 2 इज स्मॉलर नंबर, 9 इज बिगर नंबर, सो वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम दिस 2। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग 1/10 from this 6, so here comes 12, and for here 6 है, यहाँ पे 6 के पास से हमने 1/10 दिया 2 को, क्या किया हमने 6 के पास से 1/10 लिया and वो दिया 1s के प्लेस पे, so यहाँ पे 6 में से एक चला जाएगा, तो कितने बचेंगे 5, 12 minus 9, now it's possible, 12 में से 9 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा 10, 11, 12, सो हियर कम्स 3, देन हियर 5 minus 3, 5 है उसमें से 1, 2, 3 हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कितने बचे 2, 1, 2, सो हियर कम्स 2, सो आवर फाइनल आंसर इज 23 रुपीज आर लेफ्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, निशा मेड 34 लेडर्स, निधि हैड 16 लेडर्स, हाउ मैनी मोर लेडर डिड निशा मेड देन निधि, जो निशा है उन्होंने 34 लेडर्स बनाए, निधि है उन्होंने 16 लेडर्स बनाए। अब यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा है, क्या है हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा है लेडर्स निधि, निधि मेड देन निशा, यानी कि निधि ने जो लेडर्स बनाए वो एंड निशा ने जो लेडर्स बनाए उसमें से निशा के पास कितने ज़्यादा लेडर्स हैं वो लिखना है। यहाँ पे आएगा 34 लेडर्स निशा हैड निशा मेड, और यहाँ पे आएगा 16 लेडर्स, यहाँ पे आएगा निधि, और यहाँ पे आएगा मेड, यहाँ पे सिंबल आएगा सबसेक्शन का, कौन सा सिंबल आएगा सबसेक्शन का, क्योंकि हमें पूछा है हाउ मैनी मोर, किसके पास कितने ज़्यादा है वो, तो उसके लिए हमें सबसेक्शन करना होगा जिससे हमें जो आंसर मिलेगा उसे पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा लेडर्स है उसमें भी कितने ज़्यादा है वो पता चलेगा। सो यहाँ पे 4 minus 6 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वॉट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग 1/10 फ्रॉम दिस 3, सो हियर कम्स 14, फ्रॉम दिस 3 वी आर गिविंग 1/10 एट 1 प्लेस, सो वॉट हियर कम्स, हियर कम्स 2, 14 minus 6, हमें 14 में से 6 माइनस करना होगा, सो क्या आंसर मिलेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो वी गेट अवर आंसर 8, यहाँ पे आएगा 8, देन 2 minus 1, 2 है उसमें से हमें एक कैंसिल आउट करना है, तो कितना बचा 1, सो यहाँ पे अवर आंसर इज 18, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि निधि हैड 18 लीडर्स मोर। देन प्रॉब्लम नंबर 7, There were 77 mango trees in an orchard. एक orchard था वहाँ पे 77 mango trees थे।
आउट ऑफ दोज 36 ट्रीज फॉल डाउन। जो 77 मैंगो ट्रीज थे उनमें से 36 मैंगो ट्रीज क्या हो गए, फॉल डाउन यानी कि गिर गए। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर लेफ्ट इन दिस ऑर्चर्ड नाउ। अब जो ऑर्चर्ड है वहाँ पे कितने मैंगो ट्रीज बचे होंगे वो हमें बताना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 77 मैंगो ट्रीज माइनस लेफ्ट, क्या बोला है लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। 77 मैंगो ट्रीज माइनस 36 मैंगो ट्रीज फॉल, क्या आएगा, फॉल डाउन, यानी कि उतने मैंगो ट्रीज गिर गए। तो अब कितने मैंगो ट्रीज बचेंगे, 7 इज बिगर नंबर, 3 इज 6 इज स्मॉलर नंबर, सो सब्स्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। 7 में से कितने कैंसल आउट करने हैं, 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। देन यहाँ पे है 7 माइनस 3, 7 में से हमें 3 सब्स्ट्रैक्ट करने हैं, तो कितना बचेगा, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आया 4। सो आवर फाइनल आंसर इज 41 मैंगो ट्रीज लेफ्ट इन ऑर्चर्ड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 41। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नमित हैज 47 रुपीज। जो नमित था उसके पास 47 रुपीज थे। नमन हैज 87 रुपीज, नमन के पास कितने रुपीज है, 87। हाउ मच लेस मनी डस नमित हैव देन नमन, नमित के पास कितने कम रुपीज है वो बताना है, किससे कम रुपीज है, नमन से। सो पहले हमें किसके रुपीज, किसके पास रुपीज है वो लिखना होगा, पहले जो बिगर नंबर है 87 उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे आएगा 87 रुपीज नमन हैज, क्या लिखना होगा, 87 रुपीज नमन हैज माइनस 47 रुपीज नमित हैज। यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 7 0, 8 में से 4 कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 4। सो 40 रुपीज नमित, 40 रुपीज नमित हैव लेस देन नमन, नमित है उनके पास नमन से 40 रुपीज कम है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देर आर 63 मोसंबीज इन द फर्स्ट बास्केट एंड 36 मोसंबीज इन द सेकेंड बास्केट। हाउ मैनी मोसंबीज आर देर ऑल टूगेदर इन द बोथ द बास्केट। यहाँ पे मोसंबी के बारे में बताया है, जो फर्स्ट बास्केट है उसमें 63 मोसंबीज है, जो सेकेंड बास्केट है उसमें 36 मोसंबीज है। सारी मोसंबी को फर्स्ट बास्केट की एंड सेकेंड बास्केट की, दोनों बास्केट की सारी मोसंबी को मिला दिया जाए तो टोटल कितनी मोसंबी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखना होगा 63 मोसंबीज इन फर्स्ट बास्केट प्लस 36 मोसंबीज इन सेकेंड बास्केट। यहाँ पे लिखना होगा ऑल टुगेदर मोसंबीज, क्या लिखना होगा, ऑल टुगेदर मोसंबीज या फिर बोथ बास्केट मोसंबीज। यहाँ पे एडिशन होगा क्योंकि लिख के दिया है ऑल टुगेदर, 6 plus 3 9, सो ऑल टुगेदर मोसंबीज आर 99, यानी कि इफ वी आर एडिंग टू मोसंबीज, इफ वी आर मेक टुगेदर ऑल द मोसंबीज देन दे आर 99 मोसंबीज। देन हमें प्रॉब्लम नंबर 10, 11 एंड 12 दिया है, वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।